अभी शाम को प्रोग्राम बना है जाने का बुआ के यहाँ, मंजू बुआ के यहाँ। तो मंजू बुआ के यहाँ कौन कौन जाएगा? मैं। सबसे पहले तो वानिका ने हाथ उठाया, वानिका जाएगी। तो वानिका ने तो पहले की कोड़ी भर ली, कभी छोड़कर चला जाओ। और ये भी जाएगा, दोनों चलो, चलो दोनों चलेंगे। ठीक है, आपकी मम्मी को भी ले ले क्या? तो आवाज लगाओ मम्मी को। मम्मी जल्दी आ जाओ। ओ मम्मी को कौन बुलाने जा रहा है भाई? दोनों मम्मी को बुलाने जाके। तो वाने का झूला झूल रहा है अकेला अकेला। बोबी आई, बोबी को कह रही, बोबी चलो, बोबी चलो, जल्दी जल्दी बैग तैयार हो गया बोबी का। जल्दी पहनाओ, चलो वही पहनना है। हाँ अभी चल रही रात को भाई, बहुत रात हो चुकी है और रात को चलना भी है हमें, तो हम जल्दी जल्दी चली रही है। पहले कपड़े तो हम सुबह को पहन लेंगे, क्योंकि सुबह को हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम है और हम वो प्रोग्राम भी जाएंगे। और मम्मी जब तक यहीं पर रहेगी घर पे, तो मम्मी घर पे रहेगी और ये दूध है जो पकना था इसको पकाकर मम्मी रख देगी। तो वही मम्मी हम चल रहे हैं, ठीक है, और जल्दी आ जाएंगे, कल को पहुँचते फ़ोन कर देंगे। चलो भाई, हमने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, हम वैसे चल दिए और सारे जो कपड़े हैं कन्नू के बैग में रख लिए। अब बुआ के आने के बाद में जो अपना बैठने का स्टूल है वो अपना आप ही उठा कर ले आई। तो बाबूजी ये स्टूल ये बड़ा है तुम्हारे से, यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ भी बैठेगी। और हम कहाँ से आ गए? बुआ क्या मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा? तो नमन कह रहा भाई, नमन मुझे भी दिखा दो, मैं भी हूँ यहाँ से। हैं भाई को पानी पिलाएगी और पूरे रास्ते पापा पापा करते हैं, पापा 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 पापा। और बुआ के आगे क्या करेगी भाई वानी का? क्या खाएगी बुआ के आगे? क्या खाएगी? कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। क्या खाएगी बुआ के आगे बता दे मुझे। यहाँ बैठी भाई महारानी जी स्कूल पे आगे, हमारी मैडम जी। दांत कब टूटा था? रात के समय भी बस अभी भाई साहब ने है ना अपनी गाड़ी साफ किया है, तो मंजू दीदी फिर से धोने लगी। रात के समय भी मतलब आराम नहीं है ना बिल्कुल भी। हम तो धोते नहीं, झाड़ू भी लगाते हैं अब रात के समय, लेकिन ये पूरी साफ सफाई रखती है। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। दोनों बच्चे खेल रहे हैं, मंजू दीदी के यहाँ पर आकर के बहुत मन लगा, वाणी का भी और कन्नू का भी। वाणी का तो बल्कि अभी तक सो रही है और सुबह के 2:30 बजे हम तैयार हो गए हैं पूरा महादेव चलने के लिए। मैंने है ना मन में मतलब सोचा ही था कि हाँ मुझे जाना चाहिए, और मेरा बचपन से ही था कि हाँ पूरा महादेव जो शिवलिंग है उसकी जो मतलब कोड़ी है वो सब भरते हैं उसको मतलब पकड़ के देखते हैं, लेकिन वो किसी के उसमें नहीं आता है। तो जो सच्चे दिल से मतलब सच्चे मन वाला होता है उस वो ही मतलब बचपन से सुनती थी मैं, वो इसकी कोड़ी भर सकता है। लेकिन आज हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भी जा रहे हैं वहाँ पर घूमने के लिए, और वानिका को मुझे अभी तैयार करना है। सारे बच्चे दोनों बच्चे तैयार कर दिए हैं, ये रह गई है। मंजू दीदी ने भी झाड़ू लगा दी और सारी जगह पानी वानी सब जगह डाल दिया और सबके लिए पानी भर भी दिया था। तो बस ये भी तैयार होने लग रही है और मैं तो रेडी हूँ। 4 बजे पूरा मंदिर में एंट्री कर ली है और मंदिर में जा रहे हैं सभी के सभी, आगे से आगे जा रहे हैं। ये तो मेरे साथ बहुत ही, मैं वाणी को गोद में ले रही हूँ और ये ले रहे हैं कलश। बहुत भीड़ है मंदिर में। बम 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 बम
काफी देर में आने के बाद में लग गए हैं हम यहाँ पर लाइन में, और लाइन है ना हमारे पीछे बहुत ज्यादा भक्त गण है और आगे भी है। मैं काफी आगे जा करके थोड़ी सी मैंने सोचा कि वीडियो बना ली जाए, वैसे तो मेरे हाथ से फोन छूट गया था और काफी लंबी लाइन है। कन्नू में पापा मुझसे बहुत पीछे है और मौसी जी है, और मौसी जी मुझे ये कह रहे थे कि हम तो तुम्हारे फोटो देखते रहते हैं फोन में। मैंने कहा फोटो नहीं मौसी जी, मैं वीडियो बनाती हूँ और डालते हैं हम अपना व्लॉग, और आप रोजाना देख सकते हो, हम रोज नया नया लोग डालते हैं अपने घर का, फैमिली में जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे डालते हैं। तो ये है जहाँ पर हम जा रहे हैं, पूरा महादेव का मंदिर काफ़ी बड़ा है, विशाल है बहुत ही, और जो इसकी लाइन है काफ़ी 1-2 किलोमीटर जा कर के बहुत लंबी लाइन लग रही थी। और जब तक हम गए थे सुबह के, हम 2 बजे उठ गए थे और 3:30 बजे हम घर से निकल लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा काम भी किया था, झाड़ू वगैरह लगाना, सिंगवाना वगैरह ये सब करना। और उसके बाद में हम जैसे निकले तो काफ़ी टाइम हो गया हमको निकलते निकलते, 1.25 घंटे में हम चल रहे थे। और वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए थे, वे ये कह रहे थे कि 12 बजे से जल चढ़ रहा है यहाँ पर, 12 बजे से बाइकें आ रही हैं, आसपास के गांव वाले भी जल अभिषेक करते हैं यहाँ पर। और मैंने ये सुन रहा था कि यहाँ पे ना इन शिवलिंग की बहुत ज़्यादा मान्यता है, ये हैं यहाँ के नंदी महाराज, और इनके कान में मैंने अपने लिए कुछ विश की है, भगवान करे वो पूरी हो जाए। और यहाँ पे मतलब बहुत खुशी भी थी, और यहाँ पे आसपास में मेरे दीदी थी, दीदी और दीदी की सास, जेठानी, देवरानी और उनके बच्चे। तो ये है यहाँ का शिवलिंग, शायद आपको दर्शन हो गए हों अच्छे तरीके से। और मैंने भी बहुत मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ पे जो पंडित जी थे वाणी का हमारी भिज गई थी, इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आकर के, तो पंडित जी ने उसको गोद में ले लिया, वो रोने लग रही थी। पहले तो खुश हो गई वो पंडित जी की गोद में जा कर के कि उस भीड़ से बच गई, लेकिन जब उसके बाद उसका जल अभिषेक किया, पंडित जी ने उसको शिवलिंग के पास लेकर के चले गए, बच्चा नहीं जानता है इतनी सारी बातें कि ये शिवलिंग है नहीं है, तो शिवलिंग के पास लेके गए, किसी ने उसके ऊपर गंगा जल डाल दिया, किसी ने दूध से जल अभिषेक किया, किसी ने गुलाब के पत्ते, और वैसे उसने शिवलिंग की अपने मतलब खूब अच्छे तरीके से कोली भर ली, मतलब हमें तो हाथ लगाने का मौका भी नहीं मिला, उसने कोली भर ली शिवलिंग की। और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने जल चढ़ाया, मैं पूरे सावन अपना जल नहीं चढ़ा पाई हूँ क्योंकि घर के काम में भी व्यस्त थी, लेकिन आज मैं समय निकाल करके गई हूँ पूरा महादेव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मन को सुकून मिला, और जा कर के तो इतना अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं कभी पूरा महादेव जाऊँ। तो कन्नू के पापा भी दर्शन करके आ गए हैं यहाँ पर, और वे कह रहे हैं कि वाणी का तो अच्छे से जल अभिषेक हो गया, मैंने गुलाब की पंखुड़ी जो है इसकी टी शर्ट के अंदर से निकाली थी, तो वाणी का हमारी मेरी गोद में आकर के अब बहुत खुश है, सारा मतलब इसकी है ना सारी बॉडी चिपचिप हो गई है दूध से, तो इसने अच्छे तरीके से जल अभिषेक कराया अपना, और ये अब बहुत खुश है। और सब वहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि आपकी जो लड़की है बहुत ही लक्की है, इसका जल अभिषेक हुआ है शिवलिंग के साथ में, बहुत ही अच्छा लगा ये सब बातें सुन के, लक्की है। तो हमारे यहाँ पे थोड़े से सब्सक्राइबर भी मिले थे, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके, हमने फ़ोटो भी खिंचवाए, और कुछ लोग तो मतलब वहाँ पे जो खड़े थे तो वे कह रहे थे कि आपकी दीदी नहीं आई बबली दीदी, मैंने कहा वे अभी दूसरे प्रोग्राम में जा रही हैं और कुछ टाइम बाद हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी तो आपकी मुलाकात हो ही जाएगी उनसे। तो मैं बोल रही थी कि चलिए साथ में हमारे घर चलिए, तो कहने लगे नहीं नहीं फिर कभी आएंगे। और ये हमारा फ़ोटो शूट चल रहा है सबसे लास्ट में, यहाँ से पूरी फैमिली जो भी हम गई थी
बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और बहुत अच्छे से फोटोशूट कराया हम, बहुत ही बच्चों के साथ में पूरा मन लगाया वाकई में।